देखो बेटा, पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। तो एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के बाहर पोटेंशियल कितना होगा? तो इसका एक्सप्रेशन वही है, क्योंकि फील्ड वही है आपका, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है बाहर। आप एक्सप्रेशन वही इनफाइनाइट से आर तक लाने में जो वर्क डन है, दैट इज द पोटेंशियल, और कुछ नहीं होता है। पोटेंशियल बेसिक वर्क से कैसे रिलेट है हमको क्लियर है, ठीक है? तो फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन वही रहने के कारण बाहर पोटेंशियल वैसा ही आ जाएगा, के क्यू अपॉन आर। सरफेस तक लाने में भी जो वर्क डन होगा वो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर से ही गवर्न होगा, तो वो के क्यू अपॉन कैपिटल आर आ जाएगा। बट मैं आपसे पूछूं, इसमें किसी अंदर पॉइंट पर, ठीक है ना, किसी इनसाइड पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा? तो एक थोड़ा बड़ा फार्मूला आता है, सबको याद होना चाहिए, के क्यू अपॉन 2 r³ 3 r² माइनस r², इसको गलती से भी कोई भूले नहीं बेटा, ठीक है ना? अंदर r लेस देन कैपिटल R पे पोटेंशियल कितना होता है? के क्यू अपॉन 2 r³ 3 r² माइनस r², ये भी याद रखना है कि सेंटर पे सरफेस का कितना है टाइम्स है, ये भी ध्यान रखें तो बहुत अच्छा है। आर को 0 डाल दो, देखो सेंटर पे कितना आएगा आपका, 3/2 के क्यू अपॉन कैपिटल आर आ जाएगा। मतलब सरफेस पर 1.5 गुना होगा सेंटर पे सरफेस का। सेंटर पे जो पोटेंशियल है दैट इज 1.5 टाइम ऑफ पोटेंशियल एट द सरफेस, ठीक है? तो इसका प्लॉट्स मैं यहाँ बना रहा हूँ, फिर मैं डिराइव कर देता हूँ ये कैसे आया। इस तरह का और कुछ भी आ सकता है, आपको आना चाहिए कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को स्प्लिट करके पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं, ठीक है? तो बट सेंटर पे आर इक्वल टू 0 पर सेंटर पे पोटेंशियल कितना आ रहा है? 1.5 इंटू Vs आ रहा है। Vs इज द पोटेंशियल एट सरफेस, ठीक है? एट सरफेस पर कितना है? सरफेस पर तो लिख ही दिया है आपने, Vs इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर। तो ये सिचुएशन है पोटेंशियल की, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है। अगर प्लॉट्स भी बना लीजिए, इसका प्लॉट भी इम्पोर्टेंट है कैसे आ रहा। देखो इंटेंसिटी का प्लॉट तो सीधा सा है, बहुत कॉमन प्लॉट जो आता रहता है हमेशा, इस तरह की स्ट्रेट लाइन और फिर इस तरह का, ये आपका ई और आर का प्लॉट है। ई प्रपोर्शनल टू 1/r और यहाँ पर ई प्रपोर्शनल टू आर, ऐसा है। तो फील्ड मैक्सिमम कहाँ होता है इसमें? सरफेस पर मैक्सिमम फील्ड होती है यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, ठीक है ना? सरफेस पर मैक्सिमम फील्ड होती है। और पोटेंशियल कहाँ पर? और फील्ड देखो हमेशा आउट रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में है, तो अगर सेंटर से चलना शुरू करोगे तो मैं आपको बता चुका हूँ कि पोटेंशियल फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज करता है, ठीक है ना? फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल हमेशा क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पर अगर V और R का प्लॉट ड्रॉ करोगे तो प्लॉट इस तरह का आता है। देखो ये जो चेंज आता है, ये आता है जहाँ पे एक्सप्रेशन चेंज होता है ना, वहाँ ये कॉनकेविटी का चेंज है, R इक्वल्स टू कैपिटल R, और ये सेंटर का है। सेंटर का मतलब 1.5 टाइम्स ऑफ सरफेस, इस तरह का प्लॉट आता है। ये ध्यान रखना है, प्लॉट भी आप बन वैसे ही जाएगा। इन्फिनिटी पे आप देख रहे हो कैसा जा रहा है, इन्फिनिटी पे 0 की तरफ जाएगा, ठीक है ना? के क्यू अपॉन 2 r³ 3 r² माइनस r² इन्फिनिटी पे 0 की तरफ जाएगा। आर इक्वल्स टू आर पे आप निकाल सकते हैं, आर इक्वल्स टू 0 पे देख लिया आप, ठीक है? तो अब आप देखिए डेरिवेशन की तरफ पढ़ रहा हूँ मैं, इसके एक बार डेरिवेशन और बता दूं मैं आपको। ये प्लॉट भी ध्यान रखना है, फार्मूला भी ध्यान रखना है, डेरिवेशन भी आना चाहिए आप, नहीं आने वाली बात तो डेरिवेशन में भी कुछ नहीं है। डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल एट इनसाइड, ठीक है ना? तो ये क्या लिख रहा हूं मैं, डेरिवेशन ऑफ डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल वी इनसाइड यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, वी इनसाइड यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर।
ठीक है ना, डेरिवेशन ऑफ बी इनसाइड यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के अंदर जो फील्ड का एक्सप्रेशन, बड़ा वाला जो फार्मूला भी आपको याद किया गया, तो उसके डेरिवेशन में भी थोड़ा ध्यान से किया जाता है, क्योंकि फील्ड चेंज हो जाता है सरफेस से, जब अंदर आ रहे हैं तो फील्ड अलग अलग है। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, जैसे यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है आपका ये, और यहाँ पर अंदर किसी पॉइंट पर आर डिस्टेंस पर है, कोई ए पॉइंट पर लिखना है आपको पोटेंशियल, ये सरफेस का पॉइंट है, ये इनफाइनाइट का पॉइंट है, तो वी ए माइनस वी इन्फिनिटी आप लिखना चाह रहे हैं, बट मैं दो टुकड़ों में लिखूंगा क्योंकि फील्ड इंटेंसिटी अलग अलग है, सरफेस के अंदर आती ही फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। वी ए माइनस वी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू ए ई वैक्टर डॉट डी एल वैक्टर, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या आएगा, वी ए माइनस वी इन्फिनिटी आएगा आपका माइनस इन्फिनिटी से ए को मैंने स्प्लिट कर लिया, इन्फिनिटी से कैपिटल एस ई वैक्टर डॉट डी एल वैक्टर प्लस कैपिटल एस से ए ई वैक्टर डॉट डी एल वैक्टर। देखिए वी ए माइनस वी इन्फिनिटी कितना आ गया, माइनस इन्फिनिटी है एस ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर प्लस एस टू ए ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। ठीक है, तो इन्फिनिटी पे मैं क्या ले रहा हूँ, जीरो लेके चल रहा हूँ, तो अब ये दो इंटीग्रेशन बन गए, इनको अलग अलग कर लेते हैं, माइनस आई वन प्लस आई टू। आई वन जो इंटीग्रेशन है वो क्या है आपका, इन्फिनिटी से एस ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, तो यहाँ के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर है। ठीक है ना, ये क्या है यहाँ पर, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। अब इसका आप सॉल्व कर लो, कितना आएगा, के क्यू अपॉन माइनस वन, एस की जगह वन अपॉन आर, ठीक है ना, कैपिटल एस क्या है, कैपिटल आर डिस्टेंस है एक्स की वैल्यू, तो कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा ये आपका माइनस के क्यू अपॉन आर आ जाएगा। दूसरा इंटीग्रेशन एस से लेकर ए तक ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन चेंज है थोड़ा, ठीक है ना, एस से ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर लिखेंगे तो क्या लिखोगे आप इसको, कैपिटल आर है ए पर, स्मॉल आर वैल्यू है, ई वेक्टर एक्स आई कैप डी वाई जे कैप, और इसको आई कैप की टर्म में लिख दोगे तो के क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब इंटू डी एक्स, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, के क्यू अपॉन टू आर क्यूब आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आएगा। ठीक है, के क्यू अपॉन टू आर क्यूब आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो ये दोनों आई टू भी आ गया आपका, तो पोटेंशियल नेट कितना हो गया, आप अब यहाँ पे लिख दो, आप आई वन आई टू की दोनों वैल्यू उठा के रख दो, ठीक है ना, तो ये प्लस ही आया क्या, माइनस तो नहीं आया है, नहीं ये तो प्लस ही आएगा, ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर एक्स आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, अब आप रख दो उस पर उठा के, तो कितना आ जाएगा, के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू अपॉन अपना स्मॉल क्यू कह दो या क्यू कह दो एक ही चीज, ठीक है ना, के क्यू अपॉन टू आर क्यू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। वी ए कितना आ गया आपका, के क्यू अपॉन टू आर क्यू थ्री आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये आपका पोटेंशियल आ गया। ठीक है, तो ये आपका इनसाइड जो हम निकालना चाह रहे थे वो एक्सप्रेशन आ गया, बट दो टुकड़ों में निकला है, तो ऐसा कभी भी फील्ड वेरी करे किसी भी सिचुएशन में, और फिर आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो ध्यान से अलग अलग पार्ट में करके इंटीग्रेट करो। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे इनफाइनाइट से एस तक एक्सप्रेशन अलग था फील्ड का, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर सरफेस से यहाँ तक अलग आया, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इस तरह से निकला, तो अब याद तो रखना ही है बिल्कुल ही, उसमें कोई डाउट नहीं है।